भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनादेश था। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का लेना देना इसमें कुछ नहीं है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2-3 तारीख की रात को जो कांग्रेस के कुछ विधायकों को, 4 विधायकों को, 3 विधायक कांग्रेस के और 1 निर्दलीय विधायक को जो चार्टर फ्लाइट गई, उसके अंदर अरविंद भदौरिया भाजपा के विधायक क्यों बैठे थे? भारतीय जनता पार्टी के संगठक मध्य प्रदेश के आशुतोष तिवारी उस चार्टर फ्लाइट में क्यों बैठे थे? हमारे पास सारे प्रमाण हैं। दूसरी बात, हमारे पास ये भी जानकारी है और प्रमाण है कि कल जो 3 चार्टर गए थे बेंगलोर, उन 3 चार्टर को भारतीय जनता पार्टी ने ही व्यवस्था की थी। हम ये भी जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर काम में बेंगलोर का ही क्यों उपयोग किया जाता है? वहां पर बेंगलोर की सरकार क्यों उनकी सुरक्षा में लगाई जाती है? पूरे तरीके से मध्य प्रदेश के जनादेश को पलटने का ये षड्यंत्र है, और ये इसलिए है क्योंकि माननीय कमलनाथ जी ने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। चाहे माफिया जमीन का हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे एडल्ट्रेशन का हो, हर तरह के माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई दबंगाई से कमलनाथ जी ने की है, उसके कारण ये घबराए हुए हैं। अभी नंबर है 15 साल तक इन्होंने जो ई टेंडरिंग में घोटाला किया, व्यापम में घोटाला किया, माध्यम के अंदर घोटाला किया, इन सब के परतें खुलती जा रही हैं। हनी ट्रैप के अंदर भी ये भाजपा के जो लोग शामिल हैं उसकी भी परतें खुलेंगी। बात यह है उन सबसे भयभीत होके ये सरकार पलटना चाहते हैं। सर, डू यू हैव द नंबर्स? अभी नंबर्स हैं कांग्रेस के पास या सर? जस्ट वेट सर। शिवराज सेइंग दैट ही इज नॉट हैविंग एनी बिजनेस विद दैट्स ऑलरेडी, तो देन शिवराज सिंह चौहान इज स्पीकिंग अ लाई। आई वांट टू नो फ्रॉम हिम हु सेंट मिस्टर अरविंद भदौरिया एंड आशुतोष तिवारी टू बैंगलोर। ही मे नॉट बी इन्वॉल्व, बट नरोत्तम मिश्रा इज इन्वॉल्व और अमित शाह जी इज इन्वॉल्व और हुएवर इज इन्वॉल्व, बट बीजेपी इज इन्वॉल्व।